वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो 189 रुपीज़ पे या फिर फ्राइडे के दिन क्लोजिंग दे चुका है ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉक। यानी कि देख सकते हो कि 1.23% की गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी ऑयल इंडिया के। तकरीबन मार्केट कैप जो है ऑयल इंडिया का 20,528 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है। पी रेशो 2.78 का है, जो कि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बुक वैल्यू ₹282 का है। डिविडेंड की बात की जाए तो 4.89% का डिविडेंड यील्ड है और आरओसी की बात की जाए तो 22% का आरओसी है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 20% का है। फेस वैल्यू ₹10 का है। तो कंपनी के ऊपर टोटल जो डेब्ट है वो 16,721 करोड़ का टोटल डेब्ट है। नेट प्रॉफिट की भी बात की जाए तो 7,372 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। ईपीएस की भी बात किया तो 68 रुपीज़ का ईपीएस है। तो सेल्स की बात किया तो 35,376 करोड़ के सेल्स भी हो चुके थे और टोटल एसेट जो है 60,800 करोड़ के टोटल एसेट्स है। प्रमोटो होल्डिंग 56.7% के प्रमोटो होल्डिंग है। तो प्रमोटो होल्डिंग में शेयर्स प्लेज ने, जो कि अच्छी बात है, एक साल में 13.8% का रिटर्न दे चुका है ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉक। तो ऑयल इंडिया के बाकी के डिटेल देखे जाए, जैसे कि प्रोस की बात की जाए तो स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है 0.67 टाइम बुक वैल्यू के ऊपर। स्टॉक यहाँ पे अच्छा डिविडेंड यील्ड भी प्रोवाइड कर रहा है। कंपनी आने वाले क्वार्टर के नतीजे भी अच्छे देने के चांसेस है और कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी मेंटेन कर रहा है। डेप्टर्स डे भी देख सकते हो कि इम्प्रूव हो चुके हैं 29 डेज से 21 डेज के ऊपर। नेगेटिव पॉइंट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते हैं कॉन्टिंगेंट लाइबिलिटी 7,940 करोड़ के है। प्रमोटर होल्डिंग भी पिछले 3 सालों में कम हो चुके 4.95% से। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑयल इंडिया स्टॉक के लिए।